जो हमने कही। YMCA में मन्नत एंटरटेनमेंट के द्वारा 19 मार्च को मेकअप का महामुकाबला सीजन 5 आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को मन्नत एंटरटेनमेंट एंड वेट जिला फैशन ने मिलकर महिलाओं को मेकअप की दुनिया को एक अलग अंदाज में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। कार्यक्रम की शुरुआत बॉलीवुड के दिवंगत स्टार ऋषि कपूर को याद करके उनकी फिल्मों के कुछ गीत पर मॉडल्स ने अपने अंदाज में डांस से लोगों का दिल जीत लिया। इस शो का ऑर्गेनाइजर निधि गुलाटी, लोकेश साजिदा और लीना गुप्ता थी। जाने मानी बॉलीवुड एक्टर कंचन कृष्ण आदनानी, सोशल एक्टिविस्ट रेखा वोहरा, सविता अरोरा ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जाहिद अली चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। जाहिद अली ने डिजायर न्यूज से कुछ खास बातचीत की, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज मन्नत एंटरटेनमेंट के फंक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो एक ऐसे शख्स हमारे साथ है जो बॉलीवुड में, अगर मैं बात करूं दिलीप कुमार साहब की सौदागर से लेके, अगर मैं बात करूं भुज द ब्राइड और अब अली बाबा, क्या जबरदस्त एक एक्टर है जो अपने किरदार में घुस जाते हैं। जाहिद अली जी का हमेशा डिजाइनिंग पे आशीर्वाद रहा है, उनका प्यार रहा है, तो आज वो दिल्ली में आए, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। आप जाहिद जी इस फंक्शन में आए, एंटरटेनमेंट वाले फंक्शन में आए, तो आपको क्या लगता है फैशन जो है आज के टाइम में, फैशन हो गया, मेकअप हो गया, क्योंकि बॉलीवुड तो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई इन्होंने मुझे शामिल इसलिए किया क्योंकि जो चीज कर रहे हैं आज, वहाँ मुकाबला रखा गया था मेकअप का, वो बॉलीवुड से जुड़ी हुई चीज़ है। और हालांकि मैं इस चीज़ का टेक्निकली आगे नुकसान नहीं रखता इसका, लेकिन क्योंकि इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए हम कई बार, बट एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया, जो एक कदम उठाया गया है कि ब्राइडल लुक लिया गया जिसमें मुख्तलिफ प्रांत के मुख्तलिफ लोगों को तैयार किया गया, जितनी औरतें थी माशाल्लाह अपने आप में खूबसूरत थी, उन्हें और आला और अफजल बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया कि मैं खुद हैरान था। मैंने कहा आज मुझे लग रहा है कि मैं सारी अफसराओं के बीच मौजूद हूँ। ब्यूटिफुल, लवली, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके लिए एक नई जगह बनी है, और महा मुकाबले में अब ये हो गया कि अब कॉम्पिटिशन आया तो वो अब और मेहनत करेंगे, जितने काबिल की लड़कियाँ हैं वो अपने आप में और काबिल हो जाएंगी, प्लस साथ ही साथ अब तक जो असिस्ट कर रही थी ना, तो अब वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेवल पर आ गए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय मन्नत एंटरटेनमेंट कपल्ड विद वेटजिला फैशन। मेरी मुबारकबाद है लोकेश सादेजा, लीना एंड स्पेशली निधि हु हैज टेकन दिस इनिशिएटिव टू कम अप विद दिस। थैंक यू वेरी मच। आपने जो है एक नई दिशा की बात जो करी ना, वो आज महिलाओं के लिए, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जब आदमी इंडिपेंडेंट बनता है, सेल्फ एम्पावरमेंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप यहाँ आए दिल्ली में, आपका स्वागत है, और आप तो खुद एक आइकन है, आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो एक्टिंग है, उसके हम हमेशा कायल रहे। तो दोस्तों डिजायर न्यूज आज धन्यवाद करता है जाहिद अली जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद दोस्तों। मन्नत एंटरटेनमेंट समय समय पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कितने ही शो कर चुके हैं। इस शो में गुलशन सुमन, संजीव शर्मा, गीता गुप्ता, वर्षा छवरिया, परवीन खान, जैनब खान, विजय कुमार, भावना चक्रवर्ती, सौरभ गुप्ता, नीलिशा दीक्षित, नेहा चोपड़ा, सलोनी सिंह, ज्योति सेठ, रीमा वर्मा, खिटिज बख्शी, रचना कोतवाल, निधि बख्शी, ममता मानक, सुनील गर्ग, फौजिया हुसैन, नूपुर सिन्हा, सुषमा बाल्यानी, राशि सिंह, साहिल मानचंदा, अर्चना गौर और वर्षा छावरिया जैसे हस्तियों ने शिरकत की। मेकअप के इस महामुकाबले में विनर रही मेकअप आर्टिस्ट अमनदीप की ब्राइड उर्वशी कांडा। निलिशा ने बोला है लोकेश सर का सच में दिल बहुत बड़ा है, ये सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को इस इंडस्ट्री में तकरीबन 7 साल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ है, और सबसे पुराने जो मेरे साथ में जुड़े हैं वो निधि बख्शी, उनके बाद नीतू जी सामने बैठी हुई है, कंचन जी हैं, रेखा दीदी हैं, ये वो चेहरे हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से, यही तो उनके बिल्कुल वेरी फर्स्ट से जुड़े हुए आज भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। संजीव शर्मा जी जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और समय समय पे हमें भी मोटिवेट करते रहते हैं, और बहुत सारे
मीडिया में कहना, अगर किसी को भी चमकना हो संजीव भाई से कॉन्टेक्ट करे और इंशाल्लाह उसे चार चांद तो ये खुद लगा देंगे। संजीव भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल। नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, मैं इस काबिल नहीं हूँ जो वर्ड आप बोल रहे हैं, और कोशिश हमारी रहती है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। अच्छा जैसे कि आज मन्नत का जो मेकअप का महामुकाबला चल रहा है, इसमें आके कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे प्लेटफॉर्म से आप? देखिए निधि गुलाटी जी और लोकेश जी, इवन आप अगर मैं करूं तो निधि बख्शी, ठीक है नहीं, लीना जी, ये वो लोग हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं। आज मेकअप को ये नहीं है कि मेकअप को पहले हम ये देखते थे कि भाई किसी ने मेकअप लगाया, मेकअप अपने आप में आपको एक पॉजिटिवनेस लेके आता है। आज इन्होंने जिस हिसाब का शो किया, जैसे फैसिलेशन इन्होंने किया, जाहिद अली भाई मेरे बड़े क्लोज हैं, वो इसमें चीफ गेस्ट आए, बॉम्बे से आए वो, तो उनका इतना अच्छा शो है ये कि ये इनको बार बार करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक आप समाज के अंदर ये अच्छाइयाँ नहीं लेके जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और जैसा कि मन्नत एंटरटेनमेंट इतने दिनों से कितने शो वो कर चुके, कितने काम वो कर चुके, ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही उनको प्रोत्साहित करने का समय है जो मन्नत ने किया है। तो मैं तो दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों की टीम को, पूरी मन्नत की टीम को, कि किस तरीके से कितना अच्छा वेल मैनेज उन्होंने किया, और अच्छे अच्छे मॉडल थे, उनको फैसिलेशन किया, उनको क्राउनिंग सेरेमनी करी, एक बेहतरीन शो था जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद।